सॉरी, अब जाओ यहाँ से। जी। कहीं से भी आ जाते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थक गई क्या? नहीं 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 मालकिन, सारी सफाई हो गई है, बस बस जाले साफ करना बाकी। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ के जाले साफ करने हैं। ये रहे जाले, दिख रहे हैं ना तुम्हें? ये सारे जाले साफ कर रहे हैं और वो भी इससे। लो पकड़ो। मालकिन ये तो बहुत ही छोटा है, आपके पास कोई स्टूल नहीं है? कोई स्टूल विस्टूल नहीं है। हिम्मत है तो रेलिंग पर चढ़कर करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। इतने दिनों से ये जाले लगे हुए, माँ जी कोई साफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। रिस्की है ना, ये भी कहाँ कर पाएगी, डर के भाग जाएगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं करना तो चलो निकलो यहाँ से। मुझे कुछ भी करके ये जाले साफ करने ही, ये नौकरी नहीं खो सकती मैं। अरे लड़की, अगर तुम गिर गिरा गई ना तो तुम्हारे मरहम पट्टी के पैसे नहीं देंगे हम। अरे वो सारा छूटा हुआ है वहां पे, क्या साफ कर रही हो तुम? जल्दी करो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आधा घंटा पूरा होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अरे वाह, ये तो कितनी आसानी से साफ हो गया, और अभी भी थोड़ा टाइम बचा है ना।
समय खत्म। जाला भी साफ हो गया। सारी सारी साहब गलती से पैर फिसल गया। सारी पता था मुझे, कोई काम तुम कायदे से नहीं कर सकोगी। आखिर तिरछी आंखों से कोई काम कर सकता है भला? तिरछी आंखें सारी मालकिन गलती से पैर फिसल गया। प्लीज हमको काम से मत निकाले, हमको पैसों की सख्त जरूरत है मालकिन। प्लीज प्लीज बस बस बहुत हो गया, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। चलो तुम निकलो यहाँ से। मॉम वैसे गलती इसकी नहीं है, आपको इसे कोई चेयर या स्टूल देना चाहिए था ना। और वैसे भी जाला इतना ऊंचा लगा है कि कोई नॉर्मल आंखों वाला भी फिसल जाएगा। अरे बेटा तो इसने हमसे पूछा ही कहा, खुद ही लग गई जाले साफ करने। मॉम अगर ये मन से काम कर रही है तो आप इसे रख ही लीजिए, और वैसे भी आपका काम भी हल्का होगा और मुझे अच्छी कॉफी मिलेगी तो मेरा मूड भी फ्रेश रहेगा। रख लीजिए इसे। मालकिन प्लीज हम एकदम दिल लगाकर काम करेंगे, कुछ कमी नहीं होगा। प्लीज मालकिन अपना घर समझ के करेंगे। प्लीज हमको काम से मत निकालिए। मैम वो इतना कह रही है तो रख ही लेते हैं ना, वैसे भी आपने जो टास्क दिया था वो भी तो इसने करके दिखाया ना। अच्छा ठीक है, काम पर रखती हूँ तुम्हें। धन्यवाद। लेकिन अगर एक भी और गड़बड़ की ना तो अपना बुरिया बिस्तर बांध कर तैयार रखना, फौरन निकाल दूंगी घर से बाहर।